तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 10 की वीडियो बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ नहीं था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बहुत आसान होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023 को। चलिए फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेट है सिंपल, वही फॉर्मेट है जो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया था आपने, वही फॉर्मेट है बिल्कुल। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 लिख दिया पहले तो मैंने, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही होगा, कुछ नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, देखो ये बड़ा सिंपल आसान भाषा में बिल्कुल। जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते वो सीधे यहाँ आएंगे। ऐसे जो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते वो यहाँ आएंगे सारी इनकम। अगर टेक्निकल भाषा में आपको बताऊँ तो कौन से आती है, इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन या प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करते वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम जो डायरेक्टली आपके आपकी जो प्रोडक्शन है उससे इनकम नहीं आती, ठीक है ना, वो सारे इनडायरेक्ट होती है। यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में ये दोनों चीज़ें नहीं आती थी ट्रेडिंग अकाउंट में, ना तो इनडायरेक्ट खर्चे आते थे ना तो इनडायरेक्ट इनकम आती थी, वो सारे इनकम वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे, वो सारे खर्चे और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिखने हैं। तो आपको अगर ये पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एक्सपेंस आते थे, कौन सी इनकम आती थी, तो बाकी आप तुरंत पहचान लोगे कि ये वाला खर्चा ये इनकम कहाँ आएगी, है ना, बड़े तरीका। तो ये है आपको तरीका समझने वाला, बहुत बड़े तरीका को बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं समझते, वो कन्फ्यूज होते रहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे डालूँ, कौन सी इनकम आएगी। अरे कुछ भी नहीं करना आपको, अगर ये पता है कि क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सिर्फ एक कुछ खर्चे डायरेक्ट खर्चे आते थे वहाँ पर, और इनकम भी कौन से आती थी, सिर्फ सेल की। तो बाकी जो बच गया भैया वो सारा प्रॉफिट में आएगा, तो कुछ भी नहीं करना अगर आपको ये पता है तो। अब आपको क्वेश्चन देखने बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही करना है बस, आपको 11 में यही करना है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कुछ नहीं करना आपको। अब ये आप देखोगे, अब उसको खर्चे पहचानने हैं, कौन से खर्चे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मुझे बताओ कौन से आएंगे। सैलरी और वेजेस, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता था। हाँ, वेजेस और सैलरी अगर लिखा होता तो आता था, लेकिन ये तो आनेगा नहीं। ये फिर ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। कमीशन पेड आता था ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं आता था ना, कहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। पोस्टेज कोरियर आता था वहाँ पर, नहीं आता था ना, ये आएगा यहाँ पर। इंश्योरेंस भी आता था वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, कहीं लिखा हमने कहीं इंश्योरेंस, नहीं आता था। हाँ, अगर ये फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता तो बात अलग थी, फैक्ट्री का खर्चा अगर लिखा होता तो बात अलग थी। इंटरेस्ट पेड आता था वहाँ पर, नहीं आता था ना, यहाँ पर आएगा। कैरेज आउटवर्ड वहाँ पर नहीं आता था, इनवर्ड आता था, अगर आपको ध्यान हो। कैरेज आउटवर्ड वहाँ नहीं आता था, क्या आता था वहाँ पर, कैरेज इनवर्ड आता था, अगर आपको याद है इस चीज़ का, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का खर्चा वहाँ आता था, नहीं आता था ना, यहाँ पर आएगा सिंपल। डिस्काउंट अलाउड वहाँ नहीं आता था। रेंट रिसीव, भैया वहाँ तो रेंट रिसीव कभी आता लिखा ही नहीं आपने आज तक, वहाँ तो सिर्फ सेल की इनकम आती है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है भैया, ये तो वहाँ पर आता ही नहीं था कभी भी। बैड डेट्स कभी आता नहीं था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आता नहीं था। तो ये सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा। लेकिन अब देखो स्टार्ट कैसे करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, नीचे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सेल का 45% हुआ 6.5 लाख। आपको याद होगा जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, है ना, कैरीड डाउन। वो कैरीड डाउन इसलिए लिखते थे क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरीड डाउन करा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालना होता है, ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि मेरा नेट सारा प्रॉफिट कितना हुआ, सारे खर्चे मिला के, सारी इनकम मिला के। तो जो डायरेक्ट खर्चे जो मेरे डायरेक्ट खर्चे थे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो नेट प्रॉफिट निकालना होता है, तो उसके लिए मुझे सारे खर्चे चाहिए होते हैं, ये भी और बाकी भी। लेकिन जो बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे और डायरेक्ट इनकम थी, उसके लिए तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा था, उसके लिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना दिया था। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सारे खर्चे और सारी इनकम लेनी होती है, बट क्योंकि ये जो बाकी के खर्चे डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट इनकम वाले, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुकी है, और यहाँ से जो प्रॉफिट निकला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो सिर्फ यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम बार बार नहीं लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या लेना है, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है, और फिर बाकी के सारे खर्चे और सारी इनकम लेनी। तो ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ को याद हो तो आपको, हम ऐसे लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट
कैरी इट डाउन लिखते थे ना, तो ब्रॉड डाउन किस साइड पर होता है, उल्टी साइड पर होता है, कैरी डाउन यहाँ पर, ब्रॉड डाउन यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें कह रहा है कि वो ग्रॉस प्रॉफिट 45% निकालना है सेल का, सेल है 6.5 लाख, तो 6.5 लाख का 45% निकालना है, तो आपका पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो 6.5 लाख का 45% कैसे निकालेंगे भाई, 45% 9/20 हो गया, ठीक है, इसको 0 से 0 करके 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीपाई कर 2,27,927 होता है, और 9 को 2 से करेंगे तो 18 होता है, और 9 को 5 से करेंगे 45 होता है, तो ये आ गया 2,92,500, 2,92,500, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या बताया कि सारे खर्चे जो भी इसमें लिखे हुए हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सारे जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, किस में आने वाले हैं, सारे इसमें आने वाले हैं। तो मैं सारे खर्चे लिख देता हूँ, सैलरी वेजेस खर्चा होता है, कमीशन खर्चा होता है, पोस्टेज, कोई पोस्ट पे खर्चा किया, कोई लेटर भेजा किसी को, या इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउट, वही सारे खर्चे, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड किसी को दिया, ये भी खर्चा ही है, रेंट रिसीव ये खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट खर्चा नहीं है, तो ये दो को छोड़ के बाकी सब खर्चे हैं। बैड डेट्स, नुकसान हो गया मुझे, कोई पैसा नहीं मिला, ये भी खर्चा, ये कह दो या लॉस कह दो, लॉस भी आ सकता है यहाँ पर, ऐसे ट्रैवलिंग खर्चा ये भी आएगा, तो ये सारे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो लिख देगा सारे खर्चे आ गए, ये सारे खर्चे हैं, और लॉस, खर्चे में लॉस भी आ जाएगा, ठीक है, लॉस भी आता है खर्चे भी, बैड डेट्स लॉस एक तरह का, समझ आ गई बात। अब इनकम कौन कौन सी है यहाँ पर, अब आप ध्यान से देखोगे तो इनकम का ध्यान से देखोगे तो रेंट रिसीव हुआ, जैसे आपको पता रेंट रिसीव ऊपर भी एक था क्वेश्चन में, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, वो यहाँ पर आती है, क्यों नहीं आती यहाँ, आती है बिल्कुल, रेंट रिसीव ट्रेडिंग, हमें से देखना ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, नहीं आती ना, तो यहाँ पर आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा है कि जो मेरा डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं आया, सेल करने वाला जो होता है सिर्फ सेल आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी जो भी इनकम हो रही है वो सब इनडायरेक्ट है, तो ये दोनों इनकम लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये लिख दिया हमने। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल देखो बड़ी साइड का ज़्यादा आ रहा है छोटी साइड का, ज़्यादातर यही बढ़ाता है, तो कोई यही बढ़ा है, यहाँ तो कोई लाख में फिगर भी नहीं है, यहाँ तो 2 लाख लिखा हुआ है, तो 2,92,500 प्ले प्लस 32,000 कर दूंगा, है ना, तो 32,000 कर दूंगा तो कितना आ गया, 3,24,500, यहाँ पर भी वही आएगा फिर 3,24,500, और यहाँ लिखूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ये आपको समझना है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, 2 नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आता है क्योंकि सारे ग्रॉस प्रॉफिट में ऑलरेडी डायरेक्ट खर्चे आ चुके हैं, डायरेक्ट इनकम भी हो चुकी है, इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है, इनकम में से खर्चे माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। अब बाकी जो खर्चे लिखे हैं वो यहाँ लिख दिए, और बाकी जो इनकम थी वो यहाँ लिख दी, तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो नेट है, यानी कि इसमें सारे खर्चे माइनस हो रखे हैं, सारे इनकम प्लस हो रखी है, ये जो प्रॉफिट है वो नेट है, ये जो प्रॉफिट है नेट है, इसलिए नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट जो आया उसे भेजते कहाँ पर है, कैरी डाउन नहीं लिखना, उसे भेजते हैं कैपिटल में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल में, कैपिटल बढ़ गई हमारी, कैपिटल बढ़ती तब है जब नेट प्रॉफिट होता है, ये है, क्योंकि आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप देख चुके हो, जो हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के हिसाब से, तो ये जो प्रॉफिट होगा एक्चुअल में मेरा बिजनेस का नहीं है, ये प्रॉफिट किसको भेज देंगे, कैपिटल को, यानी कि ओनर को दे देंगे, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस कोई आदमी नहीं है, तो बिजनेस के लिए कोई प्रॉफिट नहीं होता, ना तो कोई खर्चा होता है, अल्टीमेटली सब कैपिटल में जाता है, तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में भेज देते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,41,050, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को फटाफट से अभी लाइक कर दे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, फैला दीजिए इनको, थैंक यू।